Dear viewers, today we visited Statue of Equality in Sriramanagaram, Hyderabad. Laser show at evening is spectacular and we recommend everyone to visit the place. अगर मैंने पाप किया है तो नरक की आग मुझे स्वीकार करे। मेरे बलिदान से सबके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, तो यही मेरा सही मार्ग है। अगर मेरे इस काम से पुण्य का लाभ है तो वे आपको आपकी ही पादुकाओं को सामने रखकर मैंने इस मंत्र की घोषणा की थी। पाप का गायत्री खुद ले लिया और पुण्य का लाभ मुझे प्रदान किया। तुम्हारे जैसे शिष्य पाका कर मैं धन्य हो गया रामानुजन। गुरु ने निश्चय कर लिया कि उनकी आगे की सभी पीढ़ियां रामानुज के शिष्य बने। सारा विश्व चैतन्य उनका यही प्रेम का संदेश दिया। नारायण के दर्शन को द्वार हृदय का खोल दिया। शोषित और दलित को भी प्रभु सेवा का मान दिया। मंदिरों के द्वार खोले, समता का संदेश दिया। महिलाओं को मान दिया, पुरुष समान स्वामी के मध्यकाल की दुर्नीति से अबलाओं को सात पहाड़ी छेड़कर पहुंचे मिलने को नारायण से। रामानुज ने सीध दिखाया धन्य हो गए दर्शन से। रामानुज के सिद्धांतों पर धर्म प्रबंधन होता है। इनकी पूजा विधि मन का अब भी पालन होता है। रामानुजाचार्य ने शास्त्रों के आधार पर तय किया कि भगवान की दाएं हाथ में चक्र होगा और बाईं ओर शंख, भुजों पर नागाभरण, छाती पर विभूलक्ष्मी आभूषण होगा, हर शुक्रवार अभिषेक होगा, हफ्ते के 3 दिन मोहिनी अलंकार किया जाएगा, आनंद विमान पे सोने का कवच चढ़ाया जाएगा, त्रिचारों में होने वाला ब्रह्मोत्सव तिरुमला पहाड़ में होगा, भक्त जन गोविंदा गोविंदा कहकर भगवान को आवाज देंगे, बोल गोविंदा गोविंदा। रामानुज ने तिरुमला को कलयुग का वैकुंठ बना दिया।
भुवन ने तुम्हें बुलाया है, यह मंत्र अभी तुम दोहराओ, पावन अवसर आया है। ओम नमो नारायण। मंत्र ब्रह्म जपोगे तुम तो विघ्न सभी हट जाएंगे, नारायण की कृपा से अब काम सभी बन जाएंगे। विद्यमान यह चारों ओर स्फूर्ति बने ये रामानुज की, भई समता की हो मांग यही अब समता की हम रामानुज से पाए। भर के मन के हर कोने में इसकी ज्योत जगाएंगे, इसका नाम सुनाएंगे।